देश में भाजपा सरकार ने जब से केंद्र संभाली है उसके 9 वर्षों में करीब 40 लाख लोगों को रेलवे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, यह दावा है रेल मंत्री का। लेकिन बड़ी संख्या में अभी रेलवे में जगहें खाली हैं और बहुत लोग रोजगार के लिए रेलवे में इंतजार भी कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। 22 अक्टूबर 2022 को जब रोजगार मेला लगा था तो 51,000 लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे थे, उसमें 14,000 रेलवे के थे। साल भर में जहां तक अफसरों की दावा है कि 1.5 लाख लोगों को रेलवे ने रोजगार दिए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हैं, क्योंकि सीधी भर्तियों से जो रोजगार मिलता है उससे ज़्यादा, जो जहां जहां कारखाने हैं तो वहां जो रेलकर्मी भर्ते होते हैं उससे ज़्यादा आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे लालगंज रेल कोल फैक्ट्री है तो वहां भले रेल कर्मचारियों की संख्या 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास हो, लेकिन आसपास के कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला हुआ, जो डिब्बों के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं और उनको उसी से काम चलता है, जिनसे जीविका भी उनको पल रही है और पूरा पूरा परिवार रेलवे के उससे जो है पल रहा है। तो देखना यह है कि रेलवे कैसे और रोजगार सृजन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितना रोजगार दे पाता है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहाँ आज धनतेरस का पर्व है, ऐसे में माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान के साथ साथ धन्वंतरी भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन खरीदारी का खास महत्व है और ऐसे में प्रयागराज में बाजारों में रौनक दिख रही है, जहां सुनारों की दुकानों के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई जो कि आकर्षण का केंद्र है। वहीं बर्तन की बाजार में भी काफ़ी भीड़ है और ठठेरी बाजार में पैर रखने की जगह तक नहीं है। वहीं सर्राफे बाजार की अगर बात करें तो अब तक लमसम 20 से 30 करोड़ रुपये की अनुमानित बिक्री हो चुकी है, ऐसा ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह का कहना है। और इसकी सुबह तक क्या आंकड़े होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से बाजारों में रौनक है और भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि इस बार दीपावली और दुकानदारों की भव्य होगी और इस तरह से जिस तरह से बिक्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों को जरूर राहत मिली है। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सरकारी ने ग्राम प्रधान व किसानों के साथ की आवश्यक बैठक, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश आपको बताते चले। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड का है, जहां पर विकासखंड में खंड विकास अधिकारी BP यादव ने ग्राम प्रधान व किसानों के साथ आवश्यक बैठक करके क्षेत्रों में किसानों को पराली न जलाने के विषय पर जागरूक किया, जिसमें रसूलाबाद विकासखंड के 91 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व किसान यूनियन भारतीय टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सहित उनके किसान संगठन भी मौजूद रहा, जहां पर किसानों को बताया गया पराली जलाने को लेकर कितना बड़ा नुकसान होता है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। वहीं पर खंड विकास अधिकारी ने किसानों से अपील की कि जहां पर पराली ज़्यादा मात्रा में है वहां पर ग्राम प्रधान को सूचित करें और ग्राम प्रधान के द्वारा उस पराली को न जलाकर गौशालाओं में पहुंचाई जाएगी, जिससे निराश्रित गौवंशों को चारा इत्यादि की व्यवस्था हो सकेगी और गौशाला सुचारू रूप से चल सकेगी। अब देखना ये होगा कि लगातार पराली न जलाने को लेकर जहां जिम्मेदार बैठक करके ग्राम प्रधान व किसानों को जागरूक कर रहे हैं, आखिर में इस जागरूकता का कितना असर किसानों पर पड़ेगा। विशाल सिंह, जनता TV, रसूलाबाद, कानपुर। अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे स्थित ग्राम नानू पर एक आज जोरदार हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर पार करते हुए टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार लगभग एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायल होने के बाद काफ़ी देर बाद वहाँ समय पर पुलिस नहीं पहुंची, जब तक घायल लोग तड़पते रहे वहीं जो है जब एम्बुलेंस को अवगत कराया तो एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण मासूम बच्चे सहित घायल काफ़ी देर तक सड़क पर तड़पते रहे। तड़पने के बाद लोगों ने जो है निजी वाहनों से उन्हें जिला अस्पताल में पहुंचाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कराया, जिससे घायल को समय से उपचार मिल सके। और देखा ये जा रहा है कि यहाँ सरकार जो है घायलों के लिए लगातार प्रयास करती है कि किसी तरीके से एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुँचे। वहीं PRB पुलिस भी जो है इसी वजह से लगाई गई है, जिससे कि समय से जो है कि घटना दुर्घटना पर काबू पाया जा सके। लेकिन एम्बुलेंस के साथ साथ PRB पुलिस भी समय से नहीं पहुंच पाई, जिससे घायलों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और घायल बताया जाता है कि जो घायल लोग हैं वो अब दादों के रहने वाले हैं और दादों से जो है भात लेकर उदला गांव अलीगढ़ उदला जा रहे थे, जाते समय जो हादसा हुआ है। हादसे को लेकर बड़ी क्राई मची हुई है। अलीगढ़ से जनता TV के लिए ZA खान की रिपोर्ट।
बिहार से गोरखपुर जाने वाली बसों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना से लोग परेशान हैं। आज रामकुला के ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह जिलाधिकारी कुशीनगर से मुलाकात कर बस का रूट चेंज करने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार से रामकुला कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर बस जा रही है, जो तेज रफ्तार होती है और उस रफ्तार में आए दिन दुर्घटना होती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कुछ दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक जीवन और मौत के बीच में अभी भी जूझ रहा है, जिसको लेकर के आज रामकुला के ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह जिलाधिकारी कुशीनगर से मुलाकात किया और बसों का रूट चेंज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह बस तेज रफ्तार से जा रही है और आए दिन दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना को लेकर के लोग परेशान हैं, इस बसों का रूट चेंज किया जाए ताकि दुर्घटना न हो सके। ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जिलाधिकारी कुशीनगर से मुलाकात किए हैं और बसों का जो रूट है उसको चेंज करने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर जब जिलाधिकारी कुशीनगर से बात किया गया तो उन्होंने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है और इसकी जाँच की जा रही है और इस बसों का रूट चेंज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इन बसों का रूट चेंज कब होती है। आदित्य पांडे, जनता देवी, कुशीनगर।